आज की क्लास में हम पैडागॉजी ऑफ मैथ्स के बारे में बात करेंगे। वही है यूनिट फर्स्ट हमारे बी एड सेकेंड ईयर की, जिसके अंतर्गत आता है सारा काम करिकुलम का। आप चाहे पैडागॉजी किसी की भी उठाइए, आपको सिलेबस जो है पार्ट फर्स्ट का, यूनिट फर्स्ट का सेम ही मिलेगा। करिकुलम क्या है, उसका अर्थ, उसकी आवश्यकता है और साथ में उसके सिद्धांत। लेकिन अगली जो चीज़ है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा चेंज हो जाता है, यानी कि नई प्रवृत्तियाँ क्या है, नए विचार क्या है, नवाचार क्या है। प्रवृत्तियाँ जो है वो सारे सब्जेक्ट की अलग अलग होती हैं। तो आज हम पहले पैडागॉजी ऑफ मैथ्स में बात करते हैं कि मैथमेटिक्स है क्या। हम मैथमेटिक्स के करिकुलम के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आज बात करते हैं कि कहाँ से लेकर के मैथ्स को उठाया गया और कहाँ तक मैथ्स चलती आ रही है, इसकी आवश्यकता कहाँ से महसूस की गई और आज तक महसूस की जा रही है। मैथमेटिक्स जो है वो है एक हिस्सा साइंस का ही, ये बात आप सब लोग जानते हैं। करिकुलम की बात करें उससे पहले जो हम बात करेंगे वो है साइंस। साइंस का हिस्सा कौन है? एक मैथ साइंस का हिस्सा है। तो जो अपनी डेफिनेशन है मैथमेटिशियंस की वो क्या कहती है कि मैथ्स इज द साइंस दैट डील्स, जो जिसके बारे में हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर, किन किन चीज़ों के बारे में, विद द लॉजिक ऑफ शेप, किसी भी आकार के बारे में, किसी भी क्वांटिटी यानी कि मात्रा के बारे में, और अरेंजमेंट। अरेंजमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? पैटर्न से मतलब है। अरेंजमेंट्स वो है जो हम आज तक मेजरमेंट में पढ़ते आए हैं कि आकार क्या है, किस तरह का है, त्रिभुज का, आयत का या फिर चतुर्भुज का, वो सारे अरेंजमेंट साथ में पैटर्न्स को लेकर के चलता है। वो सारे अरेंजमेंट जो हमें एक बताता है शेप के बारे में। तो हमें बात करनी है आज साइंस के अंदर उन सब चीज़ों के बारे में जो सिद्धांत होने के साथ साथ नियम और सूत्रों को भी साथ में लेकर के चलता है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि लैंग्वेज जो है मैथ्स की वो एक अलग ही लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज ऐसी है कि जैसे हम बात करें समकोण के बारे में, आज हम समकोण की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसके तीनों कोण समान होते हैं। हम यही बात करेंगे। 60-60 डिग्री का हो जो हम लिखेंगे भाषा, वो सारी हम किस भाषा में लिख रहे हैं? मैथमेटिक्स की भाषा में लिख रहे हैं। समकोण क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ थ्री आर्म्स, वो अरेंजमेंट है थ्री एंगल्स का, थ्री आर्म्स का, वो शेप है, वो क्वांटिटी है। और अरेंजमेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं इक्वेशंस के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, नियमों के बारे में, वो सारी चीज़ें जो मैथ्स के अंदर एक इक्वेशन के आधार पर चलती है, वो सारी चीज़ें आएंगी मैथ्स के अंदर। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। जो मैथमेटिशियंस आए, जो विद्वान आए, तो मैथ्स की ज़रूरत कहाँ से शुरू हुई? जब से जो हमारा ऋग्वेद आया, ऋग्वेद के अंदर ये बात साफ साफ लिखी गई थी कि सारे वेदों में, सारे शास्त्रों के अंदर सबसे ऊंचा जो औहदा है वो गणित का औहदा है। जो गणित है वो सबसे ऊंची रखी गई, शिरोमणि कहा गया गणित को। कि महावीर आचार्य कहते थे उस वक्त कि जो गणित है, जो उसकी भाषा है, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। आज दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अगर है तो वह गणित के बिना अधूरी है, गणित के बिना वह असंभव है। ये बात मैथमेटिशियंस ने बहुत अच्छी तरीके से समझाई। और आदिकाल से, आदिकाल कहाँ से शुरू हुआ? 500 ईसा पूर्व से लेकर के ये बात जो शुरू हुई वो आज वर्तमान तक चली आ रही है, जो आपके सामने है। मैथ्स की क्या जगह है, क्या इसका औहदा है, सब जानते हैं आज के बारे में। लेकिन हम बात करते हैं थोड़े से पूर्व ज्ञान की, जो है हमारा आदिकाल। हमने जो करिकुलम आज तक लेके चल रहे हैं वो करिकुलम कहां से शुरू हुआ? आदिकाल से शुरू हुआ। इसका मतलब 500 ईसा पूर्व से लेकर के जो वेद काल है, जो उत्तर वैदिक काल है, यहां से शुरुआत हुआ वेदों में लिखा जाना गणित के बारे में। यहां से लेकर फिर पूर्व मध्यकाल, फिर मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल और फिर वर्तमान काल, इतने काल से ये चीज गणित विषय जो है वो चलता आ रहा है, इसका पाठ्यक्रम चलता आ रहा है। अब देखिए जो मध्यकाल है, इस मध्यकाल को गोल्डन टाइम कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन टाइम या गोल्डन पीरियड।
ऑफ मैथ्स क्यों कहा गया? क्योंकि देखो आपकी नजर पड़ रही होगी इन सब के ऊपर, ये सब कौन थे? सिद्धाराचार्य, आर्यभट्ट प्रथम और द्वितीय दोनों, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, महावीराचार्य, ये वह विद्वान गणितज्ञ हैं जिन्होंने गणित को एक समान ओहदा दिया, एक ऊंचा ओहदा दिया, और साथ में उन्होंने नए सूत्र, नए सिद्धांत, नए नियम, नई परिभाषाओं का लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। और ये वही समय है, ये मध्यकाल का वह समय है, ये स्वर्ण काल वह समय है जब जो जनता है, जो जन साधारण है, उनके सामने गणित आने लगी, जब उन लोगों ने उस गणित का उपयोग करना सीखा, ये वह समय है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं इस मध्यकाल को। क्वेश्चन अगर आए कि मध्यकाल को स्वर्ण काल गणित का क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको ये बंदों को, ये विद्वानों को इंट्रोड्यूस करवाना है कि ये सारे विद्वान उस समय आए और इन्हीं ने उस समय नए सूत्रों को लोगों के सामने, जन साधारण के सामने रखा, उनको बताया कि गणित क्या है, इसका उपयोग आपको कहाँ करना है, कैसे करना है। किसी भी वस्तु को जानने के लिए गणित का विषय होना, आपको जो है गणित की जानकारी होनी बेहद आवश्यक है। बिना गणित की जानकारी आपको किसी भी वस्तु की जानकारी नहीं करवा सकते, ये असंभव है, ऐसा महावीर आचार्य कहते हैं। अब देखिए जो ये करिकुलम चलता आ रहा है, यही करिकुलम हमें अब आगे की ओर बढ़ाएगा। हमें अब जो करिकुलम पढ़ना है वो पढ़ना है वर्तमान काल का, कि जो हमें 8th क्लास के लेकर, 1st क्लास से लेकर के जो भी क्लास है, क्लास पर्टिकुलर नहीं कहते हम, चाहे कोई भी क्लास है, चाहे आप ही की बीएड क्यों ना हो, तो ये करिकुलम मैथ्स का क्यों बनाया गया, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया, किन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ये सारा कार्य किया गया, ये सारी चीज़ें पढ़नी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें विद्वानों के बारे में जानकारी हो कि ये जो करिकुलम तैयार किया गया, तो ये आगे देखिए हम पढ़ेंगे ना, तो हम करिकुलम पढ़ेंगे किसका, मैथमेटिक्स का पढ़ेंगे, करिकुलम ऑफ मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स। ये करिकुलम आगे की ओर हमें बढ़ाएगा, यानी कि हमें इनके न्यू ट्रेंड्स पढ़ने हैं, और सारी चीज़ें आपकी सेम रहेगी। जो परिभाषा है करिकुलम का, अर्थ है, मींस मीनिंग, डेफिनेशंस, नीड्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, सारी चीज़ें आपकी कॉमन रहेगी पेडागॉजी के अंदर। लेकिन जो न्यू ट्रेंड्स रहेंगे वो हमारे हमेशा इसमें अलग रहेंगे। तो हम पेडागॉजी ऑफ मैथ्स में जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं वह रहेगी हमारी न्यू ट्रेंड्स को लेकर के, यानी कि नए नवाचार जो आए, जो व्यू रचनाएँ बनाए गए, वो क्या थे और वो क्यों बनाई गई, वहाँ उनकी आवश्यकताएं क्या पड़ी और क्यों पड़ी, कौन कौन थ्री नई प्रवृत्तियाँ, नई प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी आई वर्तमान काल के अंदर, आज तक चला रहे हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखकर के चला रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है नेक्स्ट क्लास में। ये आप मैथमेटिक्स का जब तक मीनिंग आपका होमवर्क रहेगा कि पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, मीनिंग रहेगा इसका, डेफिनेशन रहेगी आपके होमवर्क में, और साथ में रहेगा इसका सारांश, यानी कि समरी आपकी इसमें क्या है, हिस्ट्री इसकी क्या है। हिस्ट्री देखिए कोई भी पेडागॉजी हो, आपको उसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से शुरुआत हुआ, किस लिए उसकी शुरुआत की गई, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, ताकि आपके खुद के सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो ये विद्वान आपको ध्यान में रखना है, ये इतना इतना आप लोगों का रहेगा होमवर्क पेडागॉजी ऑफ मैथ्स में। फिर हम नेक्स्ट जो रहेगा, फर्स्ट जो टॉपिक है वो सेम रहेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा मैथ्स के अंदर वो है नई प्रवृत्तियाँ गणित के, तो इसके लिए हम अगली क्लास में बात करेंगे।